बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशस्त को लेकर एक दफ़ा फिर दिल्ली अमरीका गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वली अहदी की बहस, सईद अमीर मुआविया ने अपने बाद अपने बेटे यजीद को खलीफा नामजद कर दिया था और फिर उनकी जो हुकूमत है उसका इनेकाद हो गया था। गांधी साहब से हम जान रहे हैं कि इस्लाम में नज़म इज्तमाही के तकाज़े क्या हैं और कोई हुक्मरान अपने बाद क्या किसी को वली अहद बना सकता है, दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। हम साहब, आपका उसूली नुक्ता नज़र भी सामने आया था और उसूल से इतलाक़ के सफ़र का भी हमने आगाज़ किया था। मैंने आपके सामने इक्तबास रखा था मौला मौदूदी अलैहि रहमा का, ख़ुद यजीद की वली अहदी के बारे में उनका जो नुक्ता नज़र था। हम साहब ने एक इब्तदाई नौयत की तबसरा उस पर कर दिया था। मैं चाहता हूँ हम साहब ज़रा थोड़ा सा अंदर उतर के कुछ पहलुओं की मज़ीद तौज़ीह आपसे तलब करूँ। मैं दोबारा एक हिस्सा पढ़ता हूँ और उससे मुतल्लिक एक सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। मौला मौदूदी लिखते हैं, मैं पूछता हूँ कि अगर फिलवाक़े हज़रत मुआविया का ख्याल ये था कि उनके बाद कहीं जानशीनी के लिए उम्मत में खाना जंगी बरपा ना हो और इस बिना पर वो ज़रूरत महसूस फरमाते थे कि अपनी ज़िंदगी ही में इसका फ़ैसला करके अपनी वलीहदी के लिए बैत ले लें, तो क्या वो इस नहायत मुबारक ख्याल को अमल में लाने की सूरत इख्तियार ना फरमा सकते थे कि बकाया सहाबा व काबिर ताबीन को जमा करते और उनसे कहते कि मेरी जानशीनी के लिए एक मौजू आदमी को मेरी ज़िंदगी ही में मुंतखब कर लो और जिसको वो लोग मुंतखब करते उसके हक में सबसे बैत ले लेते। इस तरीक़ाकार में आखिर क्या चीज़ माने था। हम सब, आपने बताया था सियासी हकीकतें क्या होती हैं, वो तक्वा वरा लिल्लाहियत और लोगों के अंदर जो अल्लाह का खौफ है उसकी बिना पे लोगों को असबियत हासिल नहीं होती, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। लेकिन एक पहलू और भी है, वो ये कि 20 साल आपको खिलाफत की मसनत पर अल्लाह ताला ने मौका दिया, उन 20 सालों में बर आज़मों के मसाइल हल हो गए, उन 20 सालों में उम्मत जो है वो इल्म में, फ़ज़ल में, माल में, दौलत में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हर चीज़ में इर्तका हुआ। एक नहीं हुआ तो सिर्फ इसमें कि जी मेरे बाद इंतखाब किसका होगा। 20 साल कोई निज़ाम नहीं बन सका, चलें वो भी समझ में आता है, कोई निज़ाम मुतबादल था नहीं, रियासत फैल गई, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन 20 साल के अरसे में आज आकर जो नज़र रुकी वो घर पर रुकी और जिसका इंतखाब किया वो अपनी शाहकार औलाद ही थी। सिर्फ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये औलाद का इंतखाब नहीं है, ये मलूकियत को बतौर एक निज़ाम के इख्तियार करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से जो बाद रवायतें बयान की गई हैं उनमें भी मलूकियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये सवाल आप ही ने किया था कि बनी इसराइल में भी अल्लाह ताला ने सुलेमान व दाऊद को बादशाह बनाया और वो पैगंबर भी थे। उस पर तज़िया करके मैंने अर्ज़ किया था कि मलूकियत अपनी ज़ात में एक नज़म है, यानी ये महज किसी को औलाद की हैसियत से तरजीह देने का नाम नहीं है, वो अपनी ज़ात में एक नज़म है। इस नज़म की ज़रूरत इंसान को क्यों पेश आती है? दो चीज़ें चाहिए होती हैं और सियासी लिहाज से बड़ी ज़रूरी हैं। एक ये कि ऐसी असबियत हासिल हो जो इंतशार का खात्मा कर दे, और दूसरे ये कि इंतकाल पुरमन तरीके से हो सके। पुरमन इंतकाल के लिए कोई कायदा बनाना पड़ता है, क्या ज़ाबता होगा? जमहूरियत में अब हमने ये कायदा बनाया है कि हम इंतखाबात करा देते हैं। इंतखाबात कराने दुनिया में कब मुमकिन हुए हैं आकर? यानी ये क्या इंग्लिस्तान में 1000 साल पहले मुमकिन थे? क्या ये यूरोप में मुमकिन थे? क्या ये बाकी दुनिया में मुमकिन थे? तो सवाल ये है कि ये तरीका कि इंतखाबात करा दिए जाएं, इंतखाबात एक छोटे से इलाके में कराने तो शायद मुमकिन उस वक्त भी होते कि चलिए मदीने में इंतखाबात करा लिए जाएं। खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौके पर जब ये चाहा कि लोग मशवरा दें तो आपने वहाँ इंतखाब करा दिया और ये कहा कि तुम लोग अपने उराफा मुंतखब करके मेरे पास भेज दो, वो मेरे साथ बात कर लें। तो 8-10 हज़ार लोग या इससे कमो बेश उन्होंने एक जगह पर जहाँ वो जमा थे अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेज दिए। इसी तरह से कबाइली तरीके से जो क़्यादत पैदा होती है वो अरब में पहले से मौजूद थी। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने सहाबा की जमात में, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1.5-1.5 लाख बयान की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद यानी 1 लाख से ज़्यादा थी, उनमें दावत ने जो क़्यादत पैदा की थी वो 10-15 लोग थे, मुतय्यन थी बड़ी हद तक। लेकिन ये कि सल्तनतों की सतह पर क्या इंतखाबात कराए जा सकते थे? तो कोई तरीका अगर
इंतखाबात के अलावा आपने ईजाद कर लिया है या लोगों ने ईजाद कर लिया है तो वो अज़रा करम बताइए, मैं मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी तजवीज़ कर देता हूँ, बल्कि बाकियों को भी तजवीज़ कर देता हूँ, और वो तो वो उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ को सबसे पहले तजवीज़ करना चाहिए। ये खलीफ़ा राशिद जिनके बारे में ये बहस ही ख़त्म हो गई कि कोई उन पर मोतरिज़ हो, उनका जहद वरा तकवा इल्म सब बेमिसाल, लेकिन बहरहाल उसी तरीके को जारी रखते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। तो मलूकियत अपनी जगह एक नज़म है, ये महज बेटे को हुकूमत देना नहीं है। इस वक्त मलका बरतानिया दुनिया से रुखसत हुए हैं, यूरोप के 12-13 के करीब ममालिक में अभी भी बादशाहत है। तो वहाँ क्या असल मसला बेटा है? असल मसला ये है कि एक ख़ानदान को असबियत हासिल है, इसको कौमी सतह पर माना गया है, और पुरमन इंतकाल इक्तदार के लिए एक नज़म बनाना ज़रूरी। यानी वो नज़म क्या होगा जिस पर सब लोग जमा हो जाएं? यही चीज़ अगर आप गौर करके देखें तो ख़ुद हमारे यहाँ की सियासी जमातों में आपको नज़र आती है, सियासी ख़ानदानों में नज़र आती है। यानी अगर औलाद मौजूद है या कोई इस तरीके से ख़ानदान में ज़िम्मेदारी संभाल लेता है तो बड़ी बड़ी शख्सियात उसके साथ वाबस्ता हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उधर पार्टी का सरबरा नज़रों से हटता है और उधर 3-4 पार्टियां वजूद में आ जाती हैं। तो दो चीज़ों को हदफ बनाया जाता है किसी नज़म में, एक ये कि असबियत हासिल रहे, वो असबियत दौरे हाजिर में सियासी जमातें फराहम करती हैं। यानी एक सियासी जमात अपना नज़म कायम करती है, मुल्क भर में लोग उससे वाबस्ता होते हैं, उनका एक जज्बाती ताल्लुक़ पैदा होता है, वो उसमें अपने आदर्श और अपने नस्बुलैन देखते हैं, अपने ख्वाब उससे वाबस्ता करते हैं, या उसके प्रोग्राम से किसी हद तक मुतल्लक होते हैं, उससे अच्छी उम्मीदें कायम करते हैं, तो एक असबियत वजूद में आना शुरू हो जाती है। और दूसरे ये कि फिर फैसला कैसे हो, पुरअमन फैसला करना है ना। यानी फैसले के दो ही तरीके हैं, या वो पुरअमन तरीके से होगा और या पानीपत के मैदान में होगा। तो पुरअमन तरीके से फ़ैसला करने के लिए फिर वली अहदी का तरीका इख्तियार किया जाता है, और उसमें बताया जाता है, बल्कि यहाँ तक देखिए बता दिया गया है कि अगर यूरोप के बाज़ मुल्कों में बड़ा बेटा नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, भाइयों की तरफ मामला जाएगा तो क्या होगा, ये सब बताना पड़ता है। तो इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। मेरे नज़दीक असल मसला बेटे को वली अहद बनाने का नहीं है, असल मसला मलूकियत को बतौर निज़ाम इख्तियार करने का है। वो जब भी बतौर निज़ाम इख्तियार की जाएगी ख़ानदान तक महदूद रखना पड़ेगा। तो बेटा होगा वो संभाल लेगा, भाई होगा वो संभाल लेगा। ये आपको मालूम है कि ये थोड़े ही अरसे के बाद बनी मरवान की तरफ चली गई थी, जिसको हम बनू मैया की हुकूमत कहते हैं, लौट गई थी, इसलिए कि आगे कुछ नहीं था। और ख़ुद यजीद के अपने बेटे ने माजरत कर ली थी कि मैं ज़िम्मेदारियाँ नहीं आगे निभा सकता। तो ये सब चीज़ें जितनी हैं वो एक नज़म में पेश आ रही हैं। जिस तरह सियासी जमातों का नज़म फ़ैसला करता है, या दुनिया में एक दूसरे नज़म का तजर्बा हो रहा है, चीन में एक तन्हा पार्टी की बुनियाद पर नज़म कायम किया गया है, अपनी फितरत के लिहाज से आमिरियत और इस्तिबदाद है, लेकिन एक नज़म कायम कर दिया गया है, उसमें हुकूमत मुंतकिल होती रहती है और पुरअमन तरीके से इंतकाल इक्तदार होता रहता है। तो ये एक निज़ाम है जिसको इख्तियार करने का फ़ैसला किया गया, इससे इसके कोई ताल्लुक नहीं है। ये दो ही सूरतों में कायम रह सकता है। यानी या तो आप मेरिट पर फ़ैसला करेंगे, वो मेरिट भी क्या है, उस पर हमारे शायर का तबसरा है कि जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। यानी वहाँ भी कोई अफलातूनी मेरिट बनाना मुमकिन नहीं हो सका, सबसे बड़ा आलिम मुंतखब किया जाए, सबसे बड़ा फ़लसफ़ी और सबसे बड़ा हकीम और सबसे बड़ा मुदब्बिर, नहीं, लोगों की अक्सरियत जिसका इंतखाब कर ली, क्या चीज़ है ये? असल में फसल नज़ा का पुरअमन तरीका है और कुछ नहीं है। इसमें बाज़ औक़ात जो लोग मुंतखब होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बासलाहियत लोग मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं, लोग उनकी तरफ इल्तफात करके देखते भी नहीं, निगाह भी नहीं उठाते। इस वक्त जो सियासी जमातें मैदान में उतरेंगी अभी चंद महीने के बाद, उनके रहनुमाओं को ज़रा देखिए सामने, क्या वो फिलवाक़े हमारी कौम के गुलहाए सरसब्ज़ हैं?
क्या इल्म, अक्ल, बसीरत, तदब्बुर के लिहाज से वही हैं लेकिन सियासी असबियत उन्हीं को हासिल है। तो इसलिए ये जो मजहबी लोग बातें करते हैं ये बिल्कुल नाकाबिल फहम है। ना ये अफलातून की समझ में आई थी जब वो फ़लसफ़ियों की हुकूमत का ख्वाब देख रहा था, ना हमारे लोगों की समझ में आई हैं। वो ये ख्वाब देखते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आके एक नई जमात बन गई थी, उसमें दुनिया के पुराने तसव्वुरात सब के सब टूट गए और वो नई जमात थी, उसकी क़यादत पैदा हुई। एक नई जमात जो कोई कमों बेश 1 लाख के करीब लोगों का मजमूआ है, उसमें जो 8-10 लोग लीडर पैदा हो गए हैं आला दर्जे के, वो जितनी देर निकाल सकते थे निकाल गए। उसके बाद दुनिया को उसी जगह आना था जहाँ वो हमेशा से रही है, जहाँ अब भी है, जहाँ सदियों से खड़ी है। वो लोग हैं और सल्तनतों में फैले हुए करोड़ों लोग हैं, उन लोगों में असबियत फैसला कुन होगी और पुनःमन इंतकाल इक्तदार के लिए या इंतखाबात कराने पड़ेंगे, जो अब आपने ईजाद किया है ये मुमकिन नहीं थे। और या क्या होगा, मलूकियत। तो मलूकियत को बतौर निज़ाम इख्तियार किया उन्होंने और बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। मेरे नज़दीक उसी फैसले ने उस सल्तनत को कायम रखा। ठीक है, हमसे नुक्ता आपने वाजे फरमाया, कुछ और ज़मीनी पहलू चाहता हूँ, ज़रा उस पर भी आप रोशनी डालें। ये बात तो समझ में आती है हमसे जो आप बात फरमा रहे हैं, इल्मे सियासत हो, उमरानियात हो, तारीख़ हो, फ़लसफ़ा हयात, सब चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर में भी इसी वक्त अपनाया गया है। लेकिन एक आम आदमी को जो चीज़ हज़म नहीं होती, तिनके की तरह दिमाग में चुभती है, वो ये कि भाई ये सारी बातें गामी साहब करें आम लोगों के बारे में, हमारे सियासतदानों के बारे में, जो इस वक्त ज़मीनी हकीकतें हैं उनकी तरफ हम तवज्जो दिलाते हैं। सहाबा इकराम तो कुदसियों का एक ग्रोह है, उनकी लिलाहियत, तक्वा, वरा, उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो सदूदा सिफादगी रखी, एक एक चीज़ उनसे तो हम मसलन ये तवक्कु नहीं कर सकते ना कि जी जो निज़ाम चल रहा है और जो असबियत हासिल हो रही है। मसलन मैं आपको मिसाल एक देता हूँ, 20 साल आप रहे हैं अमीर मुआविया, 20 सालों में रसूलुल्लाह की कायम करदा जमात के किसी बंदे पर असबियत पैदा करने का अमल क्यों नहीं कर सकते थे वो, यानी क्यों उस अमल की तरफ लौटा नहीं जा सकता था जिसकी इब्तदा रसूलुल्लाह ने की 30-40 साल तक, वहीं पर वो कायम रहा। सईद उमर के ज़माने में भी रियासत उतनी फैली हुई थी, कुछ तो करते, 2-4 इकदामात, कुछ भी नहीं किए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ये फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं कि असबियत पैदा की जा सकती है। हमारे यहाँ जो जमातें बरसर इकदार आई हैं उनको बाज़ अवकात बाज़ हवादिस से सबका पेश आ गया। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को अदालत ने घर भेज दिया, उसके बाद एक वज़ीर आज़म का तकरर किया गया जो गालिबन इस वक्त हमारी कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उनको असबियत हासिल हो गई थी नहीं, वज़ीर आज़म बनने के बावजूद। एक और हादसा पेश आया, उसमें एक और बड़ी शख्सियत को वज़ीर आज़म बनाया गया, उनकी लोग तारीफ़ भी बहुत करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, असबियत हासिल हो गई उनको। वज़ीर आज़म बना के भी अगर असबियत नहीं हासिल होती तो मुझे वो तरीका बता दीजिए जिससे असबियत अमीर मुआविया पैदा कर देते। असबियत एक फितरी अमल है, ये मेरे और आपके पैदा करने से पैदा नहीं हो सकती। अगर गौर करके देखें तो इस वक्त जो गिराने हुकूमत कर रहे हैं हमारे यहाँ, उनमें क्या भुट्टो साहिब की नरीना औलाद को असबियत हासिल हो गई, या उनकी औलाद को हो गई? ये असबियत एक ख़ातून को हासिल हुई और फिर उसके बेटे को हासिल हुई। दूसरी जानिब भी देख लीजिए, तो असबियत वो चीज़ नहीं है कि मैं जेब से निकालूं और किसी की जेब में डाल दूं, ये फितरी अमल से हासिल होती है। सैयदना सिद्दीक़ को सहाबा की जमात में ये असबियत इस दर्जे में हासिल थी कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा शख्स उस पर तबसरा करता है कि मैंने सकीफ़ा बनी साइदा में इसलिए उनका हाथ उठा दिया था और ये कहा था कि मैं बैत कर रहा हूँ, फितना पैदा होने का अंदेशा था, कि आदमी वो दस्तयाब था कि तुख्ता उल अनाक अल है, जिसके सामने गर्दनें झुक जाती हैं। तो आपके ख्याल में असबियत कोई ऐसी चीज़ है कि मैं और आप पैदा कर लेंगे? अगर मैं और आप पैदा कर लें तो फिर अपने माशरे के अंदर के किसी इंतहाई मुदब्बिर, हकीम, फ़लसफ़ी आदमी को उठा के मैं आप ये नेक काम क्यों ना करें कि उसके लिए असबियत पैदा कर लें? ये ज़रा मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी के लिए पैदा करके दिखा दीजिए। एक पूरी सियासी जमात बनाकर भी 70-72 साल में नहीं कर सके, ये ज़रा मौलाना तकी उस्मानी साहब के लिए पैदा करके दिखा दीजिए। बाकी तो छोड़िए, इस खाकसार के लिए पैदा करके दिखा दीजिए। इस तरह की बातों पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ? मज़हबी लोग इस तरह के ख्वाब देखते रहते हैं।
असबियत ऐसे नहीं पैदा होती, ये ख़ानदानों से मुतल्लक होती है। इसीलिए मलूकियत को जमहूरियत के बाद फितरी निज़ाम माना गया है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था उनके पास। अलबत्ता जमहूरियत मुमकिन होती, जैसे कि दुनिया में मुमकिन हुई, लेकिन वो कब मुमकिन हुई? क्या बाद की हुकूमतें ये कर सकें? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसी शख्सियत कर सकी? बड़े बड़े मुत्तकी और परहेज़गार बादशाह कर सके? आलमगीर जिसको इकबाल कहते हैं कि तरकशे मारा खुदंगे आखिरी कर सके? ये आसान चीज़ नहीं। अच्छा हम सब नुक्ता वाज़े हुए आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। पुरअमन इंतकाली इख्तदार का एक मुतबादल फार्मूला है मलूकियत। ये जो बार बार कहा जाता है जी पुरअमन, मोतरजीन तो ये भी कहते हैं कि भाई कौन सा पुरअमन? रिश्वतें चली थीं, तलवारें लटकी हुई थीं, लोगों को पता था कि बेटे के हक़ में दस्तबरदार नहीं हुए तो फिर से वही होगा जो पहले जमल में और इसी तरह से सिफीन में और नहरवान में हुआ, तो पुरअमन कहाँ से हो गया? पुरअमन तो नहीं था, खौफ था तो बैत हो गए। देखिए बात यह है कि मलूकियत अपनी ज़ात में इस्तेबदाद रखती है, यानी मलूकियत में चूँकि ख़ानदान को असबियत हासिल होती है और बाकी लोग मर नहीं जाते, वो मौजूद होते हैं, उनको इस्तेबदाद की बुनियाद के ऊपर खामोश कराया जाता है। इस वक्त भी सऊदी अरब में इसी उसूल पर है, चीन में इसी उसूल पर है। तो मलूकियत एक नज़म है ना, उस नज़म के कुछ तकाज़े हैं, वो हर हाल में पूरे किए जाएंगे। ताहम ये जो अफसाना तराजी लोग करते हैं ये तारीखी लिहाज से साबित नहीं है, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, लोग बयान करते हैं, प्रोपेगंडा का एक तूफ़ान है। 20 साल तक मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने आमिल शाम की हैसियत से हुकूमत किया, 20 साल तक वो उस पूरी सल्तनत के जो 3 बर्रआज़मों को छू रही थी उसके खलीफा या हुक्मरान रहे हैं। और ये हकीकत है कि उनके बदतरीन दुश्मन भी एतराफ़ करते हैं कि आदिलाना हुकूमत का बेहतरीन नमूना था। ज़रा पढ़ के देखिए, ज़रा वो किताबें पढ़ के देखिए जो उनकी मसीही रियाया ने लिखी हैं या उनकी रवायात बाद के लोगों ने लिखी हैं, अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह की हुकूमत की। तो हुकूमत आदिलाना हो सकती है, कानून की हुक्मरानी हो सकती है, लेकिन ये कि जब मलूकियत कायम करेंगे तो मलूकियत वोट लेके होती है, उसमें इख्तलाफ को यानी सियासी इख्तलाफ को, आपने इल्मी इख्तलाफ करना है करें, आपने किसी काम पे तनकीद करनी है वो भी सुन ली जाएगी। अच्छे हुक्मरान सुनते रहते हैं, बाज़ औक़ात हमारे फुकहा ने बड़े बड़े बाजबरूत हुक्मरानों के फ़ैसलों से इख्तलाफ किया है और हुक्मरानों को उनकी बातें माननी पड़ी, तस्लीम करनी पड़ी, ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो हुकूमत को चैलेंज करने के लिए मुकाबले में आएंगे तो फिर तलवार निकलती है। मलूकियत की बुनियादी ये है, वो कुव्वत का इजहार है बुनियादी तौर पर, वो कुव्वत असबियत में भी होती है और तलवार की ताकत में भी होती है। सब दीन की हिदायत अमरुहुम शूरा बैनहुम है, लेकिन अगर उस हिदायत पर अमल करने के इम्कानात बाकी न रहें तो मुतबादल राहों की तरफ जाया जा सकता है। मलूकियत इसी नौयत की एक मुतबादल राह है, लेकिन नज़म इज्तमाई इस्तबदाद पर मबनी हो तो क्या उस नज़म की भी पैरवी की जाएगी, पाबंदी की जाएगी, या वहाँ पर भी दीन ये याद देता है कि उससे खुरूज किया जा सकता है? सैयदना हुसैन के इकदामात, यजीद की वलीहदी की पूरी बहस सिलसिले गुफ्तगू जारी है, तीसरी नशस्त पाया तकमील को पहुँचती है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।